हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त पैकिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप मात्र 1500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक दिन में 5 किलो बेच दिया तो आप एक दिन के 3000 रुपए बड़ी आराम से कमा लोगे। दोस्तों इस बिजनेस में कोई ज्यादा झंझट भी नहीं है, आपको सिर्फ मार्केट से लाना है, पैक करना है और एक बहुत अच्छे रेटों में। ये भी नहीं कि भाई बहुत हैवी रेटों में बेचना, नहीं, बहुत अच्छे रेटों में कम से कम मैं आपको दुकानदार को दे देना और अपना मोटा प्रॉफिट कमा लेना है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका अगर हम बिजनेस कर ले तो हमें बहुत फायदा मिलता है, पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता कि इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है या इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है। हमें क्या है दोस्तों, आज के समय में अगर हमें काम करना है ना, कोई भी काम करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में काम की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ करने वालों की कमी है। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में यही कहता हूं पर इस चीज पर ज्यादा बंदे ध्यान नहीं देते हैं। मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा, अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, जब आप एक बिजनेस को करोगे ना, आप इस चीज को समझो, जब आपने एक प्रोडक्ट शुरू कर दिया ना, उसके साथ आप बहुत सारे प्रोडक्टों को मार्केट में ले जा सकते हो। अब ये तो है नहीं कि मैं आज आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ और मैंने कल जिसकी बताया था वो आप एक साथ करोगे, नहीं, पहले एक को शुरू करो। चाहे आप कंपनी का आइटम ही मार्केट से लाओ, उसे मार्केट में सेल करना शुरू करो, शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर दो, जो आपका मन करे वो शुरू कर दो, पर दोस्तों आप उसे मार्केट में ले जाके अपना काम शुरू करो। जब शुरू करोगे तभी आपको मार्केट में पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या नहीं बिक रहा है। जब आपको मार्केट का पता होगा कि मार्केट में ये चीज बिक रही है तभी आप उस बिजनेस को अपने को एक्सपेंड कर पाओगे, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि आप मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट लेके जाओ, आपको मार्केट के फायदे नुकसान सब पता चलेंगे, किस चीज में फायदा किस में नहीं है। दुकानदार खुद आपको बताएगा कि आपको ये काम लाओ, ये प्रोडक्ट ले आओ, ये प्रोडक्ट मत ले आओ, सब आपको दुकानदार बताएगा। तो आपको खुद भी जब आप एक लाइन में घुसोगे ना तो आपको खुद भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिक रहा है या इस प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन है तो मैं इसको शुरू कर सकता हूँ। ये सब तरीके होते हैं दोस्तों, पर ये जब है जब आप करोगे। तो चलिए मैं आपको आज के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। ये बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस है। देखिए ये बिजनेस है कॉटन का बिजनेस, मतलब रुई का बिजनेस। मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट में ये इस तरीके से बिकती है। ये दो बॉक्सेस है, ठीक है, इस तरीके से बिकती है। 10 रुपए का एक है। अब मैंने इसको चेक करा, जो ये बॉक्स है, अगर इस पूरे बॉक्स जो गत्ता है गत्ते के हिसाब से तोले तो ये 20 ग्राम बनता है, और खाली इसके अंदर की रुई को निकाल के तोला जाए तो ये सिर्फ 5 ही ग्राम है, बाकी 15 ग्राम जो है वो इसका वजन है। वजन बढ़ाने के लिए कितना बड़ा गत्ता दे रखा है, ठीक है। यही सिस्टम मार्केट में दोस्तों चला हुआ है। आपको किस तरीके से करना है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। अगर आपने इसको समझ लिया ना और आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इस बिजनेस को करोगे जरूर, क्योंकि ये इतना अच्छा बिजनेस है, ठीक है। ये जो रुई है ये 300 रुपए किलो आपको मार्केट से मिल जाएगी। आपने इसको मार्केट से लिया, आपने इस तरीके का जो वेस्टेज गत्ता होता है, ठीक है, ये एक तरफ से वाइट है एक तरफ से ऐसा है, ये वेस्टेज गत्ता या फ्रेश शीट भी ले सकते हो, जो प्रिंटिंग वाले होते हैं उनके पास आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना, एक अंदाजे से इसको कट कर लेना है। मैं ऐसे ही आपको कट करके दिखा देता हूं। वैसे अगर आप प्रिंटिंग वाले जो होते हैं उनके पास कटर मशीन होती है, उनसे भी अगर कट करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। आपने इस तरीके से इसको कट कर लिया, ये हो गया। इसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है, ये हो गया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद आपने इसके यहाँ टेप लगा देनी है। फिलहाल तो आप नया काम कर रहे हो इसलिए मैं आपको टेप बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, ये देखिए आपने ये टेप लगा दी। दोस्तों फिलहाल तो आपने टेप लगा दी, आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल पतली सी स्लिप बनवा लेनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं,
आपने इस तरीके की स्लिप बनवाई, ये बिल्कुल पतली स्लिप है, ये कोई 5 पैसे 10 पैसे के आसपास की बन जाएगी आपकी। आपको वो स्लिप अपने नाम की बनवा के उस पे सब कुछ प्रिंट करवा के वो लगा लेना है, ठीक है। जो इसकी एक्सपायरी है वो 3 साल की होती है। हर चीज में एक्सपायरी मेंशन होती है, चाहे वो कोई भी आइटम हो उसमें एक्सपायरी मेंशन होती है। तो इस रूई के अंदर एक्सपायरी जो होगी वो 3 साल की होगी, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। आपने इसको करा, यहाँ पे आपने अपने नाम की लेबलिंग कर दी, ये चिपक गया। इसके अंदर आपको इस तरीके से रुई को डाल देना और ये आपका रेडी हो गया बंच, ठीक है। ये 10 रुपए में आपका बिकेगा। अभी क्या है दोस्तों, मार्केट में जो ये पन्निया बैन हो चुकी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस, तो आपको इसके एक तरफ टेप लगा देनी है और इधर से इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना और बड़ी जो पन्नी आती है उसमें इसे डाल के 12 पीस का आपको बंच बना लेना पूरा। 12 पीस, 6 पीस इधर 6 पीस इधर, 12 पीस। तो इस तरीके से जो ये पन्नियां हैं ये तो बैन हो चुकी है अभी, ठीक है, तो आप इनको तो यूज नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, एक तो ये हो गया, आपको क्या करना है, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके का न्यूज़पेपर लिया आपने, न्यूज़पेपर लेने के बाद आपने इसे न्यूज़पेपर में ऐसे लपेट देना, इस तरीके से लपेटने के बाद आपने फिर इसमें टेप लगा देनी है। और इधर से भी आपको टेप लगा देनी है। तो दोस्तों ये तरीका हो गया दूसरा, ठीक है। एक बंच ये हो गया, एक बंच ये हो गया। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से बंच को तैयार कर सकते हो। इसमें क्या है, आपका हल्का वजन दिखेगा, ठीक है। ये तो वो है जब आपको ये गत्ता ना मिले बाय चांस। क्या होता है, ये गत्ते आराम से मिल जाएंगे, पर बाय चांस ना मिले, आप शुरुआत में ट्रायल लेना चाहते हो तो इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। ये इससे आपको हल्का दिखेगा, इसके उससे आपको भारी दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गत्ते का वजन भी है, इसमें आपका सिर्फ रुई का वजन रह जाता है। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट समझाता हूं, ठीक है। जो आपको ये रुई है ये मार्केट से आपको 300 रुपए किलो तक मिल जाएगी। जो बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया रुई है ना, वो 300 रुपए किलो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत साफ सुथरी सफेद रुई बिल्कुल आपको 300 रुपए किलो तक मिल जाएगी, ठीक है। ये कम भी मिल जाएगी, मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में बता रहा हूँ। 300 रुपए किलो आपने ली, 5 ग्राम आपने इसके अंदर पैक करा, तो ये आपकी 150 रुपए हो गई। ये स्लिप, ये गत्ता और जो इसके ऊपर टेप वगैरह आप लगाओगे और जो बड़ी वाली पन्नी में जो बंच बनेगा उसकी कॉस्टिंग आप 50 पैसे मान लीजिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट 2 रुपए हो गई। मतलब ये 10 रुपए में बिकने वाला प्रोडक्ट आपका 2 रुपए में तैयार हो गया। अब आपको इसे मार्केट में 5 रुपए में सेल करना है। मैंने दुकानदार से पता करा था कि ये कितने में मिलता है, उन्हें 12 पीस का जो बंच है वो 60 रुपए का मिलता है, तो 5 रुपए का एक पीस हो गया, ठीक है। 5 रुपए के हिसाब से दुकानदार के पास गया, 2 रुपए के हिसाब से आपके पास रेडी हो गया। तो दोस्तों ये आपका 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया 5 ग्राम पे। 5 ग्राम के एक पैकेट पे आपको 3 रुपए का मार्जिन हो गया। मतलब 2 रुपए आपकी कॉस्टिंग आई, 5 रुपए आपने सेल करा, तो 3 रुपए का मार्जिन हो गया। अगर आप इसे किलो के हिसाब से हिसाब लगाओगे 5 ग्राम का, तो दोस्तों ये 600 रुपए किलो हो गया। मतलब आपने जो रुई खरीदी वो 300 रुपए किलो खरीदी और आपने जो प्रॉफिट हुआ उस 300 रुपए किलो वाली रुई को पैक करके बेच के 600 रुपए किलो का मार्जिन हुआ। अब आपको 600 रुपए जब 1 किलो पे बचेंगे, अगर आप सिर्फ 5 किलो रुई भी सेल कर दे तो 3000 रुपए का मार्जिन कमाओगे। दोस्तों इसमें कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है, लंबा चौड़ा कोई हिसाब नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। आपको इसके अंदर 5 ग्राम पैक करना है, आपको ये गत्ता मार्केट से लेना है, आपको अपने नाम की ये स्लिप बनवानी है। ये देखिए प्रिंटिंग में बिल्कुल 3rd क्लास प्रिंटिंग है इनकी, ठीक है। ये बहुत सस्ती बनी हुई है, ये आपको मार्केट से बनवा लेनी है, इसको चिपका देना और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको मार्केट में इसे सेल करना है। दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस के बारे में या किसी भी बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।